प्रदेश की हर न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश वाल्मीकि ने बीजेपी पार्टी का दामन थाम लिया है। जैसे ही लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हुआ तो नेताओं ने भी दल बदलने शुरू कर दिए हैं। वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश वाल्मीकि, जो कि क्षेत्र में कांग्रेस के जाने माने नेता जाने जाते हैं, उन्होंने क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि रमेश वाल्मीकि कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब कहीं ना कहीं झज्जर हलके से मौजूदा विधायक गीता भुक्कल के लिए भी झज्जर की सीट को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले दरियाव सिंह राजोरा उनके सामने मजबूत कैंडिडेट नहीं रहे थे। वहीं बीजेपी में रमेश वाल्मीकि के आ जाने से बीजेपी को मजबूती मिली है। वहीं रमेश वाल्मीकि के बेटे हेमंत भगाना, अन्य पार्षदों सुरेश कुमार, पार्षद सुरजीत, समाज सेवी सत्य सैनी, महावीर सैनी, अन्य पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश वाल्मीकि ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है, अब ऐसे में अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में रमेश वाल्मीकि को झज्जर से मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए राहें कठिन हो जाएंगी। झज्जर से ब्यूरो रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।